नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया हर आलिम के पास न बैठना, उस आलिम के पास बैठना जो तुम्हें पांच चीजों से निकाल के पांच चीजों में दाखिल कर। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कौन कौन सी? तो हुजूर ने फरमाया उस आलिम के पास बैठना जो तुम्हें शक से निकाल के यकीन की तरफ ले आए। जिसके पास बैठो तो ईमान मजबूत हो, तवक्कुल मजबूत हो, अल्लाह रसूल की जात पर भरोसा मजबूत हो, हुजूर की गुलामी मजबूत, सहाबा और अहले बैत का इश्क मजबूत, जिनके पास बैठकर तुम्हें यकीन कामिल की दौलत मिले, उस आलिम के पास बैठना। और फरमाया दूसरा, वो तुम्हें रियाकारी से निकाल के इखलास के जुमरे में ले आए। और तीसरा, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो तुम्हारे दिलों से दुनिया की ख्वाहिश निकाल के और तुम्हारे दिल में तुम्हारे रब जो तुम्हें आखिरत में चीजें देने वाला है उसकी मोहब्बत तुम्हारे दिलों में पैदा कर दे। और चौथे नंबर पे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस शख्स के उस आलिम के पास बैठो जो तुम्हें